जय हिंद दोस्तों, मैं रोनी रॉय और आपको फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर रोनी रॉय। और अभी आप देख रहे होंगे हमारे फिर से एनके मौर्या जी, हेलो। और इनका सेटअप में है और आज हम ये जर्नी के बारे में एज ए इंटरव्यू को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी हमारे सेटअप में स्वागत है और थैंक यू सो मच समय दिए, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूंगा। एनके मौर्या जी ये धनबाद में ही रहते हैं, इनका एक YouTube चैनल है धनबाद मैथ्स एकेडमी। इनका शुरुआत कैसे हुआ वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, आप जो इतने इस मुकाम पे हैं, ये इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप क्या किए? ये कोई अभी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बहुत दूर तक जाना है जी। हाँ, लेकिन शुरुआत हम लोगों ने करा था 2018 में और उसके मुकाबले थोड़ा सा अच्छा स्थिति में हम लोग हैं। अच्छा, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, देख सकते हैं एनके मौर्या जी का बहुत कुछ करना है। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि आपको ये सारा कुछ सेटअप करने के लिए जो ऑपरेट करते हैं, अकेला करते हैं या ऑपरेटर को रखे हैं? नहीं, अभी तो यहाँ पे जो सेटअप आप देख रहे हैं वो अभी सब अकेला ही है और बाकी और भी चीजें जैसे वेबसाइट मैनेज के लिए हो गया तो कुछ लोगों को रखे हैं। एक स्टूडेंट नहीं कह सकते, एक काम करते हैं अपने अच्छा, पास अच्छा, है, बहुत अच्छे विश्वासी हैं वे हैं और फिर अपना एप्लीकेशन वाला कंपनी है, अलग अलग चीजें। जैसे मैं बता दूं इनका एक वेबसाइट भी है धनबाद मैथ्स एकेडमी का और इनका साथ ही साथ प्ले स्टोर में एक ऐप भी है और YouTube चैनल है और टेलीग्राम चैनल, देख सकते हैं सारा कुछ है। एक ऐप भी है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, हर कोई प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। फिर उसके बाद एक YouTube चैनल है जिसमें ये अभी अपने सारे वीडियो को अपलोड करते हैं। नेक्स्ट इनका एक वेबसाइट, वेबसाइट आप सोच सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए काफी अफोर्ड करना पड़ता है जो कि ये कर रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आप उन बच्चों के लिए बताइए जो शिक्षा से दूर है। देखिए, हम लोग बेसिकली काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट कह सकते हैं या मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं। आपको पता है, एक चीज हम बताएं अपने एकेडमी के बारे में, हम लोगों ने 2018-19 में शुरू करा था जी। तो जब शुरू करा था तो शुरू से लेकर के अभी तक हमारे पास जितने अभी अगर बात करें तो अभी लगभग 1500+ स्टूडेंट है जो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं। तो उन स्टूडेंट में से 80% स्टूडेंट गर्ल्स है। अच्छा, और उस 80% स्टूडेंट में से हमको ऐसा लगता है कि 8-10% स्टूडेंट ऐसी होगी जिनका मैरिज हो गया है। ओके, तो हम लोग बेसिकली काम उसी के लिए कर रहे हैं जो एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज और अच्छे स्टूडेंट तो है ही भाई, टॉपर्स हमने दिए हैं बहुत से यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी टॉपर्स दिए हैं। लेकिन जो बच्चे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में है जिनका जिनको फी का प्रॉब्लम है, जैसे 4-5 हज़ार रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते बीसीएमएससी मैथमेटिक्स के लिए, उन बच्चों को हम लोग 1000 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए में मैक्सिमम प्राइस हम लोग का कोर्सेज का 2000 रुपए है। जो बाहर आप किसी और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको 5000-6000 रुपए चार्ज करते हैं जी। तो हम लोग बहुत अफोर्डेबल किए हुए हैं। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि फी का प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, है ना, जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस वगैरह होता है वो भी हम लोग पे करते हैं। तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग के पास ये भी सुविधा है कि जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हाँ इससे हम लोग प्रॉब्लम हो जाता है जी, बिल्कुल, कि कुछ ऐसे ही बच्चे भी संपर्क करने लगते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल। तो इसके लिए हमने क्राइटेरिया रखा है कि आपके पेरेंट्स बात करेंगे या आपके पेरेंट्स बताएंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें फ्री। इस मुकाम में अगर एक कोई भी टेक चैनल या यूट्यूब चैनल का कोई भी आएगा तो डायरेक्ट उनको ये बजट लगाने की जरूरत है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार में इतना पैसा लगा देना बिल्कुल जरूरत और सही भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे है भी तो भी मत लगाइए, है ना, क्योंकि आप अगर शुरू से सीखेंगे जैसे बेसिक फोन से रिकॉर्डिंग करके सीखेंगे या तो वो ज्यादा बेहतर है, उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, चीजों को एक्सपेरिमेंट से सीखने को मौका मिलेगा, तब जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और इसी से आप अर्न करके ही इन्वेस्ट कीजिए तो ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे जी। और अगर डायरेक्ट करते हैं तो उसमें फेलियर का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, 99% पड़ जाता है फेलियर होने के चांस। कह सकते हैं आप, मेहनत भी आपका डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो इस मुकाम में हासिल करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है, लेकिन एनके मौर्या जी इस मुकाम को मेहनत कर करके, कठिन मेहनत कर करके ये हासिल किए, कह सकते हैं थोड़ा सा किसी भी चीज को। अब जैसे मान लीजिए हम लोग का शुरुआत से बैकग्राउंड खेती का रहा है, अच्छा, तो अब चीजों को बदलने के लिए तो मेहनत लगातार करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं बात बता दूं, ये स्पेशली मैथ्स पढ़ाते हैं हमारे धनबाद में एक बीबीएमक्यू धनबाद यूनिवर्सिटी है, पड़ोसी में बीबीयू यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे, राजीव यूनिवर्सिटी, इन सारे का स्टूडेंट इन्हीं के पास पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो अगर किसी को ये कोर्स परचेस करनी है तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? तो देखिए, हम लोग का प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे या आप इंटरनेट के किसी भी कोने पे चले जाए, वहां अगर आप सर्च करते हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी तो आप हम लोग को पाएंगे और वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, कहीं भी आप सर्च करेंगे
हम लोग मिलेंगे आपको। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस इंटरव्यू में कुछ सीखने का मौका मिला होगा और मोटिवेट भी होंगे। तो आज के ये इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।